हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारा एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, अभी शाम का समय हो रहा है और अभी हम लोग दोस्तों धान सिझाने का तैयारी कर रहे हैं। कल हम लोग धान सिझाएंगे, अभी शाम हो रहा है और शाम का समय में हम लोग धान को फुला रहे हैं और सुबह में हम लोग धान को सिझाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह हम लोग धान सिझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम धान ला लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे पानी में इसको इस तरह से, और जो खखरी होता है वो छपिल जाता है पानी में। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, धान को पानी में डाल रही है। पानी में डालने के बाद जो खखरी होता है दोस्तों, जिसमें चावल नहीं होता है, वो छपिल जाता है। तो छपिलने के बाद देखिए इस तरह से छांक लेती है और साइड में रख देती है खखरी को, और जो जिसमें चावल रहता है उसको उधर रखती है साइड में, और कल हम लोग इसको सिझाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस तरह से छांक रही है, और उसको उधर रख रही है अलग, और जो खखरी था उसको इधर रख दी। ये रात भर में फूल जाएगा अच्छा तरह से। तो रात भर में फूलेगा दोस्तों, और सुबह में हम लोग उसको सिझाएंगे। सो देखिए दोस्तों, हम इतना भिंगा करके रख दिए हैं, अब इतना ही भिंगाएंगे नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। पर उधर भिंगा करके हम रखे हैं थोड़ा सा और ड्राम में। देखिए दोस्तों, एक ड्राम और हम भिंगा करके रखे हैं धान को, ये देख सकते हैं। और इधर जो इसका खखरी निकला था उसको इधर फेंक दिए हैं, और कल हम यहीं पे धान को सिझाएंगे इसी चूल्हा में, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों सुबह हो गया है, तो आप सभी लोगों का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों देखिए, सुबह सुबह ही कितना मस्त धूप निकला हुआ है। और दोस्तों कल हम लोग धान को फूलने के लिए दिए थे और आज हम लोग सिझा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से धान सिझाते हैं। तो उससे पहले चलिए देखते हैं दोस्तों प्रतिभा जी क्या कर रहे हैं। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये मेरा बकरी का बच्चा परेशान करता है, देखिए। तो देखिए दोस्तों प्रतिभा जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? खाना बना रहे हैं, चावल मेरा बन गया है। खाना बना रहे हैं दोस्तों, और देखिए खाना चावल बन गया है। अभी दाल बनाने जा रहे हैं, और दाल बनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। दाल को देखिए उसमें निकाल के रखे हैं, पानी में भिंगो दिए हैं दाल को, और इधर टमाटर और प्याज काट के रखे हैं। तो दाल में ही डालेगी टमाटर और प्याज ना? हाँ। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लगता है खाने में। टमाटर और प्याज को डाल दी कुकर में, और दाल भी उसी में डालेगी ना? हाँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम हल्दी डालने जा रहे हैं। इसमें डाल दिए हैं टमाटर और प्याज, स्वाद के अनुसार हल्दी जाएगा और नमक। हल्दी डाल दिया दोस्तों, और नमक भी डालने जा रहे हैं देखिए कुकर में ही। सब कुकर में डाल के 3 सीटी लगाने के बाद दाल मेरा रेडी हो जाएगा। नमक भी डाल दिया दोस्तों देखिए। और अब इसको चला देंगे, अच्छा से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों दाल को भी डालने जा रही है, धोकर रगड़ के पहले धो लेंगे, बढ़िया से धो ले रहे हैं उसके बाद डालेंगे। तो देखिए दोस्तों दाल को भी डालने जा रही है कुकर में, नमक मसाला वगैरह देने के बाद दाल को भी उसमें डाल रही है धो करके, अच्छा से धो ली है उसके बाद उसमें डाल रही है। सब कुछ डालने के बाद दोस्तों फिर से मिक्स कर दे रही है, बढ़िया से मिला दे रही है। और मिलाने के बाद दोस्तों पानी डालेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों इसमें पानी डाल रही है कुकर में, और पानी डालने के बाद उसको इसका ढक्कन बंद कर देगी। अब दोस्तों हम ढक्कन बंद कर दे रहे हैं, अब 3 सीटी लगेगा उसके बाद खोलेंगे ढक्कन को। 3 सीटी लगेगा उसके बाद बन जाएगा ना? तो बन जाएगा दोस्तों मसाला वाला दाल, और चावल तो उधर बन ही गया है। तो देखिए दोस्तों हम दतवन तोड़ लिए और पल्हा भी ला दिए हैं इसके लिए। अब इसको टांग देते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर बांध देंगे इस तरह से दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर बांध दिए, तो ये खाने लगा दोस्तों। देखिए इस तरह खाता, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हम मुंह कान धो करके आ गए खाना खाने के लिए।
और ये देखिए दोस्तों हमारा खाना निकल चुका है। ये है भात, ये है अलुआ का भुजिया और ये है दाल दोस्तों, मसाला वाला दाल। इसमें प्याज डाली है और टमाटर डाली है दोस्तों, और ये धनिया पत्ता है, हरा मिर्च भी है। तो चलिए दोस्तों खाते हैं, अगर आप लोग को भी खाना है तो आ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग धान सिझाना शुरू कर दिए हैं और ये कढ़ा धान सिझा करके रखे हैं उधर दोस्तों। और देखिए अभी दूसरा कढ़ा सिझाने जा रहे हैं। देखिए कढ़ा में थोड़ा सा सूखा धान डाले हैं दोस्तों, उसके बाद जो कल फुला करके रखे थे वही वाला डाल रहे हैं ऊपर से। वो डालने के बाद दोस्तों हम लोग कपड़ा से ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों माँ धान को ला करके कढ़ा में डाल रहे हैं, भींगा हुआ धान को, कल जो हम लोग फुलाए थे धान को वो भी डाल रहे हैं मम्मी कढ़ा में दोस्तों। उसके बाद हम लोग फिर आग लगाएंगे, इसके अंदर आँच लगाएंगे पलहा से, पलहा देख के जलाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग धान को सीझने दे दिए हैं कढ़ा में। पूरा धान भरने के बाद दोस्तों खराब कपड़ा से ढक दिए हैं देखिए चारों तरफ से। और ढकने के बाद दोस्तों हम लोग चूल्हा में आग लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पलहा ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत पलहा उधर बचा है तो पलहा ख़त्म हो गया। तो हम लोग बांस दिए हैं, जो बांस खराब हो गया था, सड़ गया था, वही बांस को हम लोग इसमें लगा रहे हैं और लगभग आधा घंटा में सीझ जाएगा दोस्तों। और देखिए प्रतिभा जी इधर ड्राम में जो धान दिए थे फूलने के लिए उसको निकाल करके रख रहे हैं सब अलग अलग, और खाखरी को साइड में रख रहे हैं और धान को साइड में रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर उसको वो आधा घंटा लगभग हो जाएगा, उसके बाद अब हम लोग फिर डालेंगे इसको सीझने के लिए। और वो देखिए ये कढ़ा उधर उसर करके रखे हैं सिझा करके। तो देखिए दोस्तों हम लोग का धान सीझ गया है, भाप देखिए ऊपर तक आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का धान सीझ गया दोस्तों, पूरा गर्म हो गया ऊपर तक। तो देखना सिझा कि नहीं सो। तो देखिए दोस्तों प्रतिभा इधर चेक करके देख रहे हैं कि धान सिझा कि नहीं सो। सीझ गया है, देखिए फट गया है। देखिए दोस्तों धान सीझ गया है, देखिए छोटा छोटा हल्का हल्का फट गया है, तो इसका मतलब सीझ गया धान। तो अब इसको उतारेंगे दोस्तों। तो ये है बेलचा, इसको हम लोग बेलचा बोलते हैं। तो इसी से दोस्तों कपड़ा को हटा के और बेलचा से निकाल के इधर रखना है। तो देखिए दोस्तों धान निकालने शुरू कर दिए प्रतिभा जी, और निकाल निकाल के उधर रख रही है बेलचा से। देखिए तो देखिए दोस्तों हम लोग धान निकाल लिए सिझा करके, दो कढ़ा धान हम लोग सिझा लिए दोस्तों, और अभी इसको धो रहे हैं और इसको भी साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी दोपहर का 12 बज चुका है, देखिए हम इतना धान सिझा करके रख दिए हैं और उधर एक कढ़ा और सिझने के लिए दे दिए हैं, और इसको अभी फैला देते हैं हम, क्योंकि इसमें हवा लगेगा तो ये जल्दी सूखेगा, इसीलिए हम इसको फैला देते हैं। और इसको दो दिन और सुखाना है धूप में, सुखाने के बाद एक कुटाने लायक हो जाएगा, उसके बाद हम मशीन में कुटा करके इसे चावल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का समय और हम लोगों का धान सिझाना हो गया दोस्तों, और हम लोग गांव में इसी तरह धान सिझाते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह सिझाते हैं, और हम लोगों का धान सिझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।